नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी में वायरल फीवर और डेंगू ने अपना कहर बरपाया हुआ है। गोंडा, वाराणसी और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा मरीज हैं। वहीं महाराजगंज में वायरल फीवर के 1460 मरीज मिले हैं। बुखार के सैंपल का D2 स्टैन पाया गया। ICMR ने D2 स्टैन की पुष्टि की है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कोरोना के बाद अब लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ICMR ने D2 स्ट्रेन की पुष्टि की है। मरीजों में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है और यूपी में वायरल फीवर और डेंगू की इस कदर बरप रहा है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कानपुर, गोंडा, महाराजगंज और वाराणसी से, जहां पर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले कोरोना की मार और अब डेंगू और वायरल फुखार की वजह से यूपी में कहर हो रुक चुका है। आपको बता दें कि लगातार डेंगू का डर लोगों को सता रहा है, क्योंकि बरसात के बाद जगह जगह पानी भर जाने से डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि न सिर्फ गंदे बल्कि साफ पानी में भी यदि लंबे समय से पानी जमा है तो उसमें डेंगू के मच्छर हो सकते हैं, जिसे काटने से आपको डेंगू या वायरल बुखार हो सकता है। आपको बता दें कि अब यूपी में भी डेंगू और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। कानपुर, गाजियाबाद, गोंडा, महाराजगंज और वाराणसी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि लगातार बरसात के बाद अस्पतालों में भी और साथ ही प्रशासन भी लोगों से अपील करता है कि ज्यादा समय तक पानी जहां भरा हुआ है उसको हटा दें, क्योंकि साफ पानी में भी डेंगू के मरीज मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं गोंडा में वायरल बुखार अपना कहर बरपा रहा है। तो वहीं डेंगू के 3 मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड में चल रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से अब डेंगू और प्रदेश में डेंगू का असर है उसको देखते हुए गोंडा जिला अस्पताल में भी अब जोन वार्ड तैयार कर दिया गया है और यहाँ पर जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल अभी यहाँ गोंडा जिला अस्पताल में जो डेंगू वार्ड बनाया गया है वहाँ पर इस वक्त 2 मरीज डेंगू के मौजूद है। उनसे बात करते हैं, भैया अभी आप इसके पहले कहाँ पर थे और कब से आपको डेंगू हुआ? जी हम इसके पहले कानपुर में दवा कराया था, वहाँ पे कोई आराम नहीं मिला। फिर आए खरगोपुर CSC में कराए, वहाँ 2 दिन नहीं आराम मिला, 160 डिग्री बुखार आ गया। फिर यहाँ के लिए रिफर किया। तो अभी आपकी स्थिति में कोई सुधार? अब पहले से कुछ आराम आया था। निगेटिव की रिपोर्ट आई क्या? निगेटिव की रिपोर्ट कल शाम को आई। और यहाँ पर जो मरीज हैं उनके तामीलदार भी हैं, उनसे बात करते हैं। अभी यहाँ पर किस तरह की आपको लग रहा व्यवस्था की गई है यहाँ पर, जैसे कि आपके पेशेंट को किस तरह का आराम में सहूलियत मिल रही है? अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को, जैसे कि मरीज के तामीलदार आकर, जैसे आप यहाँ पर हो तो और लोग आते जाते हैं? जी हाँ। यहाँ पर देख सकते हैं और भी एक पेशेंट है, यहाँ पर एक बच्ची है वो भी एडमिट है। यहाँ पर काफी बेड यहाँ पर व्यवस्था की गई, 15 बेड की व्यवस्था की गई। बेटा आप नाम बताओ, कितने उम्र है आपकी और कब से आपको डेंगू हुआ? जी तो अभी क्या लग रहा है, जो डॉक्टर आ रहे हैं उनको कुछ रिलीफ मिला आपको? जिस तक तक देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में जो डेंगू है उसका जो स्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसे में जो यहाँ पे डॉक्टर हैं और जो जिला अस्पताल के जो प्रशासन है वो पूरी खासा अपनी तैयारी कर रहा है कि जिसको लेकर के जो डेंगू का जो संक्रमण है वो लोगों तक ना पहुँचे, उससे लोगों को बचाया जा सके, इसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है। पूरा का पूरा ये जो है यहाँ 15 बेड की तैयारी की गई है, जिससे लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको खासा और वायरल का भी असर चल रहा है। तो डेंगू को लेकर के जो है यहाँ पर जिला अस्पताल प्रशासन ने जो है वो अपनी व्यवस्था को चौबंद किए हुए हैं और अपने पूरे इस विषय को लेकर के संजीदा नजर आ रहा है, क्योंकि जो जिला अस्पताल प्रशासन के CMO हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि डेंगू को लेकर के यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है डेंगू से बचाव के हर जो उपाय हैं वो किया जा रहा है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ गोंडा से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फिलहाल गोंडा की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर डेंगू के कितने मरीज पहुंचे हैं? बता दूं कि बात अगर डेंगू की जाए तो डेंगू ने जिले में दस्तक दे दी है और उसी का नतीजा है कि अब तक 3 मरीज इसके पहले जो है डेंगू से थे उनको केजीएम में शिफ्ट किया गया। उसके बाद मौजूदा दौर में यहां पर 2 मरीज हैं जो डेंगू के, वो अभी पेशेंट हैं जो अभी अस्पताल में हैं। और हाल फिलहाल में अगर डेंगू से जो खतरे की घंटी जो बज रही है उसको देख करके जो चुनौतियों से निपटने की तैयारी है जिला के जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार अपने जो भी स्वास्थ्य महकमा है उनको अलर्ट मोड पे रखे हुए हैं और अस्पतालों में जब फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है, आसपास जो भी है छिड़काव किए जा रहे हैं, साफ सफाई की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ में अस्पताल के परिसर के अंदर जो है कोविड हॉस्पिटल के सामने गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि एक तरफ वो अपने दावे कर रहा है पुख्ता स्वास्थ्य इंतजाम के, तो वहीं अगर अस्पताल परिसर के अंदर गंदगी का अंबार लगा है तो वो भी डेंगू के लिए कहीं ना कहीं एक उनके पनपने का स्थान है, तो उससे भी निपटने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो CMO है घनश्याम राधेश्याम जी, उनसे बात की गई तो उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में पूरी बात कही है कि अस्पताल की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और डेंगू को लेकर के एक डेंगू वार्ड बनाया गया है जहाँ पर जो है डॉक्टर जो है समय समय पर निगरानी के लिए और स्वास्थ्य चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आगे की क्या व्यवस्था होगी और किस तरह से और पुख्ता इंतजाम होगा और डेंगू जो है जिले में उसको रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के नजर बनी रहेगी और कैसे अधिकारी और जो स्वास्थ्य महकमे के जो भी डॉक्टर्स हैं वो इस हालात पर कितनी अपनी नजर बना करके उसको स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छी व्यवस्था का इंतजाम करते हैं ये देखने की बात होगी। बिल्कुल ठीक अभिषेक, बने रहे। वाराणसी से अमल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमल, फिलहाल वाराणसी में डेंगू के मरीजों की कितनी संख्या है? जाए कि वाराणसी में डेंगू के मरीजों की, तो वाराणसी में डेंगू के मरीजों से कहीं ज्यादा वायरल फीवर से लोग प्रताड़ित हैं। इसको लेकर के मंडली अस्पताल, जो वाराणसी का मंडली अस्पताल है श्री प्रसाद गुप्त, वहां पे अभी बच्चे भी संक्रमित होकर के आए हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे वहां पर भर्ती हैं। हालांकि इसको लेकर के वाराणसी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आ रही है। बात अगर की जाए यहाँ पर व्यवस्थाओं की, तो लगभग डेंगू के लिए भी यहाँ पर 2 वार्ड अलग से बनाए गए हैं और 10-10 बेड के वो 2 वार्ड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, वाराणसी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो आने वाले संभावित कोरोना की तीसरी लहर के बाद जो कर रहे हैं उसको देखते हुए भी यहाँ पर पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। यहाँ के CMS से लेकर के यहाँ के CMO डॉक्टर BB सिंह पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अमल, इसके साथ ही किस तरह के प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि देखने को मिलता है अक्सर बारिश के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती है, जगह जगह जलभराव होता है और उसकी वजह से भी डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। जी, बात अगर की जाए कि जलभराव की, तो वाराणसी जिला प्रशासन इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सख्त निर्देशित किया है अधीनस्थों को कि इस और चाहिए, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। और बात अगर की जाए मरीजों की, तो जितना डेंगू के मरीज इस समय नहीं आ रहे उससे ज्यादा वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं, खासतौर पर बच्चे इससे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ठीक अमल, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, गोंडा में अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की गई है खासतौर पर वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों के लिए? जी, अगर डेंगू और के साथ साथ वायरल की बात करें तो वायरल के बुखार को लेकर के जो मामले आ रहे हैं वो नित प्रतिदिन जो है वो लगातार उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल में ही 4000 केसेस थे जो वायरल फीवर के आए थे जिसमें से 2800 से ज्यादा संख्या बच्चों की थी। तो इस तरह से प्रशासन की और जो स्वास्थ्य महकमा उसकी इस पर नजर है कि बच्चों की सेहत के साथ जो है उसको स्थिति को जांचा जाए और परखा जाए, इसलिए जो है अस्पतालों में जो है डॉक्टर्स की जो है जो उनकी वो है व्यवस्था है उनको बढ़ाया गया है और साथ में वहां पर साफ सफाई के साथ साथ जो जो वार्ड है उसमें हालांकि देखा जाए तो बिजली की जो कमी है वो भी देखने को मिलता है कि मरीज जो है उनके वहां पेशेंट जो है एडमिट है उसके बावजूद भी लोग पंखे से हाथ के पंखे से हिला करके गर्मी के बीच में कर रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं की तरफ भी अस्पताल प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो मच्छरदानी का है वो प्रयोग करना चाहिए कि डेंगू का जो पेशेंट होता है एक तरफ जो एडमिट होता है और वायरल का उसके बाद में पुख्ता होता है कि उसे एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ऐसे में वहां अगर मच्छरदानी की व्यवस्था की जाएगी तो अगर मच्छर उन्हें काटता है तो किसी और को ना काटे तो उससे डेंगू से भी बचा जा सकता है। तो अस्पताल प्रशासन को इस तरह भी अगर रुख देकर कोशिश करे, बाकी अगर व्यवस्था की जाए बात की जाए तो अस्पताल प्रशासन में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपना जो है स्वास्थ्य महकमे को देखते हुए सारी गाइडलाइंस जो जिला अधिकारी मार्कंडेय शाही के द्वारा दिया गया है और हाल फिलहाल में जो है नोडल अधिकारी
अधिकारी अनामिका सिंह का दौरा रहा है जिला अस्पताल में निरीक्षण करते हुए, उसको देखते हुए वहां पर व्यवस्था इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह से इतने बड़े केसेस आ रहे हैं वायरल के, उनसे निपटने के लिए और भी बेहतर व्यवस्था की अभी स्वास्थ्य महकमा को जरूरत पड़ेगी। ठीक है अभिषेक, वाराणसी से अमल हमारे साथ बने हुए, अमल का रुख कर लेते हैं। अमल, फिलहाल अस्पतालों में क्या कुछ खास इंतजाम है, क्योंकि जैसे कि अभिषेक ने बताया ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर मच्छरदानी और तमाम तरह की व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ पर मच्छर खासतौर पर मरीज को न काटे, क्योंकि डेंगू है, ऐसे में डेंगू फैल भी सकता है यदि लापरवाही बरती तो। ऐसे में किस तरह के अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं? बात अगर की जाए मंडलीय चिकित्सालय के MS जो डॉक्टर प्रसन्ना गुप्ता हैं, उन्होंने बताया है कि पूरी तरीके से वो मच्छरदानी की व्यवस्था किए हुए हैं। खास इतना इन्हें डेंगू के मरीजों के साथ साथ वायरल फीवर से जो मरीज संक्रमित होकर के आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष तौर से व्यवस्था की गई है। और लगभग 10-10 बेड के अलग दो वार्ड बनाए गए हैं और 26 बेड कुल टोटल वायरल फीवर से जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, 18 बेड जो कोरोना के बात की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर की, तो उसको लेकर के बच्चों के लिए विशेष तौर से 18 बेड के अलग दो वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। अमर, इसके साथ ही अक्सर देखने को मिलता है कि इस जगह जगह विज्ञापन चलते हैं डेंगू के लिए, सरकार भी अपील करती है कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने, यदि कोई आपके घर में किस तरह का पानी जमा है तो उसे निकालें। लेकिन देखने को मिलता है कि बारिश के बाद सड़कों पर भी इस तरह की जलभराव की स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर भी डेंगू के मच्छर पनपते हैं। ऐसे में क्या प्रशासन को कोई कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए कि जो जगह जगह जो जलभराव की स्थिति है सड़कों पर, उसके लिए कुछ खास इंतजाम किए जाएं, कुछ ऐसे इंतजाम जिससे पानी की निकासी हो सके और पानी सड़कों पर जमा ना हो? रूप से वाराणसी का जो जिला प्रशासन है इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रयासरत है। और विगत कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वाराणसी में दौरा था। इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी ने भी बैठ करके अधिकारियों के साथ बैठक आदि किया था और इस संदर्भ में साफ तौर पे ये निर्देशित किया गया था जिलाधिकारी को और स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी, इस तरीके की जो भी खामियां आए उसको तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाए अपने स्तर से, जिसको लेकर के यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि वाराणसी के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें दवाओं का छिड़काव ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में तो काफी कुछ लोग जागरूक है और इन चीजों पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन बात अगर की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये कमियां देखने को मिलती है और जो पेशेंट निकल करके आ रहे हैं खासतौर से वायरल फीवर के, ज्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आ रहे हैं, तो इस ओर पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। अमल, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो इंतजाम किए जा सकते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्थिति की वजह से भी ठीक तरीके से प्रयास नहीं कर सकते। और हमारी संवाददाता निकिता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, निकिता से सवाल लेंगे। निकिता, फिलहाल क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज फिर से राजधानी लखनऊ की बात करूं तो 8 नए मामले आए हैं और अब कुल मिलाकर यहां पर 103 मरीज ऐसे हो गए हैं जिनमें डेंगू फीवर की पुष्टि हो गई है और वो लगातार अस्पतालों में भर्ती चल रही है। अगर मैं बात करूं लोकबंधु हॉस्पिटल की या सिविल हॉस्पिटल की, तो उनकी ओपीडीज में भी लगातार जो मरीज है डेंगू के वो आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में अगर मैं CMO की बात करूं तो उनका कहना है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, जहां जहां जलभराव है वहां पर नगर निगम की टीम उसको साफ सफाई कर रही है, आसपास में ध्यान रख रही है कि पानी का जो ठहराव है वो निकलता रहे, गड्ढे भरे जिससे लोग इससे पीड़ित ना हो। सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं उनको भी ये बीमारी पकड़ रही है, तो लगातार डॉक्टर्स हैं वो सजेशंस दे रहे हैं कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, दूर इधर उधर ना जाएं क्योंकि स्कूलों में भी लगातार बच्चे हैं और ये कहर बढ़ रहा है। तो ऐसे में इंतजाम तो पूरे कर रही है नगर निगम और सरकार, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन अब ये मौसम ऐसा है जिसमें जो डेंगू फीवर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो फिलहाल अभी खतरा मंडरा रहा है लोगों के ऊपर में, क्योंकि अब राजधानी लखनऊ में भी आज कुल मिलाकर 103 मरीज भर्ती हो 103 मरीज यहाँ पर आ चुके, जो पुष्टि है उसके आ गए हैं और लगातार हॉस्पिटल्स में भी रोज मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर मंडरा रही है लोगों के बीच में, लेकिन नगर निगम और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट सुनिश्चित कर रहा है कि बेड्स की कमी ना हो और जो छिड़काव है एंजीलावा जो मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर छिड़काव उसका भी हो रहा है। निकिता, लेकिन देखने को अक्सर ये मिला है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर तो व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर लोगों को ठीक वक्त पर व्यवस्थाएं ढंग से नहीं होती और साथ ही न ही इतने अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर जाकर वो अपना इलाज करा सके।
ऐसे में वहां के लिए अब क्या कुछ खास प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो इंटीरियर एरियाज है, जैसे मैं लखनऊ के फैजुल्लागंज की भी बात करूँ तो वहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर क्योंकि लो लेवल मकान है लोगों का, और इस जहां पे हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो वहां पर आप पता है लगातार सीवर लाइंस है वो चोक रहती है, जिसकी वजह से काफी पानी भर रहा है और लोगों को चाहे बच्चे हो उन्हीं पानी के बीच से जब गुजरना पड़ता है तो जाहिर है ऐसी बीमारियों पेट में वो आएंगे ही। कई बार बच्चे गिरे उनको चोटें लग जाती हैं, तो जो पानी जो ठहरा होता है उसमें मच्छर पनपते हैं, जानवर घूमते हैं। नगर निगम की टीम और अगर मैं डीएम की बात करूं तो वो भी लगातार यहां पर चक्कर लगा रहे हैं, और जितना भी जल भराव है सीवर लाइन चौक है उसपे इसके लिए भी लगातार निवारण हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मौसम ऐसा है तो यहाँ पर ये जो खतरा है वो मंडरा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, आपको बताऊं के बच्चे हैं या इन्फेंट्स हैं, उसमें भी ये बीमारी पकड़ रही है। फिलहाल तो पहले पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जब उनके सैंपल्स भेजे जा रहे हैं तो पुष्टि में निकल के आ रहा है कि ये डेंगू है, तो इससे उनके पेरेंट्स खासकर बहुत ज्यादा परेशान है। और ग्रामीण एरिया में जैसे आपने भी कहा और ये बात बिल्कुल सच है कि वहां पर उस तरीके से जो हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स है, मेडिसिन है, वो नहीं पहुंच पा रही है, तो फिलहाल जो नगर निगम की टीम है वो लगातार जाकर के बोलना शुरू कर रही है ऐसे क्षेत्र में, ऐसी जगहों पर। बिल्कुल ठीक कहा निकिता आपने, बने रहे हमारे साथ। गोंडा से हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से निकिता ने बताया कि वहाँ पर जो खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है जहाँ पर जलभराव हो जाता है, कई तस्वीरें हमने भी मीडिया के जरिए दिखाई कि किस तरीके से स्कूलों में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है, महीने से वो पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि डेंगू के मच्छर होंगे और मरीजों की संख्या में इजाफा होगा। ऐसे में नगर निगम को भी क्या इस और कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि इस तरह के जलभराव की स्थिति ना अभी बने और ना ही भविष्य में? जी मैं बता दूं कि जो नगर पालिका की जो अपनी व्यवस्था होती है वो अपने दावे करती है, लेकिन जो हाल फिलहाल में स्कूलों की व्यवस्था की जाए तो उसमें भी अगर देखा जाए तो बारिश के बाद जो है वहां भी जलजमाव की स्थिति होती है। और कहीं और की बात नहीं करूंगा मैं, जिला अस्पताल की बात करूंगा कि कल हुई एक बरसात के ही दिन जो है वहां पर देखा जा सकता कि स्ट्रेचर को ले जाया जा रहा है और जो एक्सरे और पैथोलॉजी जो विभाग है वहां पर उन्हें मरीजों को ले जाने के लिए जो रास्ता जो था उसमें पानी घुटने भर पानी है, उसके बीच में मरीजों को और तमीजदारों को जाना पड़ रहा है, और यहां तक कि जो फोर व्हीलर जो गाड़ियां हैं उस पर लोग लटक करके जिला अस्पताल से जो पानी भरा हुआ जल जमाव की स्थिति है उसको पार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जल निकासी की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जानी चाहिए थी, यहां तक कि स्कूलों में, जिला अस्पताल में और शहरी इलाकों में, वो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है कि उसको कहीं दरकिनार किया गया है, जिसके नतीजे जो है क्योंकि ये बीमारियों का मौसम चल रहा है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है खतरा जो है वो पनप रहा है, क्योंकि डेंगू जो है इसी तरह से जब जो जलजमाव होता है उसके कारण फैलता है। और जिला अस्पताल के COVID-19 हॉस्पिटल के ठीक सामने जो अस्पताल परिसर में जो वहां के कर्मचारी हैं उनका जो निवास स्थान है वहां पर भी देखा जा सकता है कि कई महीनों जलजमाव और गंदे जो कूड़ा करकट है वो वहां पर पनप रहा और ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको लेकर के वहां के स्थानीय लोग हैं जो वो कई कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन इस पर सीएमओ से जब बात की गई घनश्याम जी तो उन्होंने भी यही कहा कि इस पर जो है डीपीआरओ का विभाग है ये उनको देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो टाल मटोल जो बातें होती हैं वो जो अधिकारियों की तरफ से निकल के सामने आती है, जिसका असर सीधे तौर पर जो स्थानीय लोग हैं और जो मरीज हैं और जो तमीलदार हैं उनको इसका दंश झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही का जो विषय है उसको कहीं ना कहीं इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए जिला अस्पताल प्रशासन को और नगर पालिका को, और कहीं ना कहीं जो जिला अधिकारी मार्कंडेय शाही लगातार ये अपने अल्टीमेटम दे रहे हैं कि किसी तरह प्रकार की कोताही और लापरवाही नहीं बरतना चाहिए अपने काम को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है अधिकारियों की तरफ से जो विभागीय अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं अपना जो उनका रोल है वो उसको ठीक ढंग से नहीं निभाते दिख रहे हैं, जिसके वजह से अभी तक जो है इस तरह के जो बीमारियां जो बरसात के बाद पनपती हैं वो उनमें जो है अब धीरे धीरे इजाफा देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो अक्सर बरसात के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन इस और कड़े कदम उठाए। निकिता, अभिषेक, अमल, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।